कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। वेल दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं, उस देश के लोग ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन फुटबॉल के बिना नहीं। क्या बात है यार, एक ऐसा देश जहाँ पर गन्ने की सबसे ज्यादा उपज है, यहाँ के लोगों के बीच में डांस एंड पार्टी करना सबसे कॉमन है, यहाँ के समुद्री बीच और यहाँ की हॉट लड़कियाँ आए हाय क्या कमाल की होती है, इनकी खूबसूरती देखने लायक होती है। जी हाँ, यहाँ की कॉफी भी दुनिया भर में मशहूर है और ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे रहस्यमय जगह भी इसी देश में है। यहाँ के लोगों को आज भी यकीन है कि एलियंस आज भी इनके देश की यात्रा पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या अब आपको समझ आ गया कि आज मैं आपको किस देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ? जी हाँ, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश यानी कि ब्राजील। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। इस कंट्री की कुल जनसंख्या लगभग 21 करोड़ के आसपास है। जी हाँ, ये देश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में छठवें नंबर पर आता है। दोस्तों, ब्राजील के पास कुल लैंड एरिया है 83,58,140 स्क्वायर किलोमीटर का। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पर आपको 25 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आएंगे। यहाँ के लोग 88% शहर में रहना पसंद करते हैं, जबकि सिर्फ 12% लोग ही गांव में रहते हैं, जबकि इस देश की औसतन उम्र है 34 साल। वेल दोस्तों, ब्राजील एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी सीमा उत्तर में वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में उरुग्वे, पश्चिम में अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया और पेरू, और उत्तर पश्चिम में कोलंबिया से मिलती जुलती है। पूर्व में इसकी सीमा दक्षिण अटलांटिक महासागर को छूती है। दोस्तों, कई ऐसी चीजें हैं इस देश में जो कि आपको सरप्राइज कर देंगी। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में आपको चलते चलते ही एनाकोंडा के दर्शन हो जाते हैं? जी हाँ, आप समझिए कि जैसे हमारे देश में चलते चलते सड़कों पर गाय भैंस आ जाती है, वैसे इस देश में हाईवे पर कई बार आपको एनाकोंडा नजर आएगा। कहते हैं कि इनकी वजह से कई बार रोड पर जाम भी लग जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ब्राजील देश को ट्राइब्स की भी कंट्री कहा जाता है? जी हाँ, यहाँ पर कम से कम 70 अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स हैं। कहा जाता है कि इनमें से ज्यादातर ट्राइब्स यहाँ के सबसे बड़े जंगल यानी कि अमेज़न में रहते हैं। जी हाँ, ये इतने खतरनाक हैं कि कई बार ये ट्राइब्स आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर देते हैं तीर धनुष से। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्राजील नाम की उत्पत्ति पॉज ब्राजील नामक एक लकड़ी के नाम से हुई। ये पहला उत्पाद था जिसे पुर्तगाली व्यवसायिक रूप से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, यही वजह थी कि यहाँ पर पुर्तगाली व्यवसायिक बड़ी संख्या में आया करते थे और आज भी इस लकड़ी की बहुत पूछ है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया का वो कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है? जी हाँ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये ब्राजील ही है। आपको लगेगा कि इस देश में तो चारों तरफ समंदर है, तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कैसे हो पाता है? बता देता हूँ, यहाँ पर खेती को लेकर एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इस देश में कई लोग किसी भी काम को करने से पहले खेती करना पसंद करते हैं। दोस्तों, ना सिर्फ कॉफी के मामले में बल्कि आपको बता दें कि ये देश शुगर क्रेन यानी कि गन्ने की उपज के मामले में भी टॉप लेवल पर आता है। जी हाँ, कहने का मतलब है कि इस देश में दुनिया का सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है। आज के दिन में ब्राजील कॉफी के साथ ही गन्ने के मामले में भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ पर गन्ने से बनी कई तरह की प्रोडक्ट दुनिया में सेल की जाती हैं। क्या बात है यार। दोस्तों, ब्राजील में आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, कहते हैं कि इतने खूबसूरत होते हैं कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। इस देश में लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए, और इसकी वजह है यहाँ के खूबसूरत बीचेस, साथ ही यहाँ के बीचेस पर मिलने वाली लोकल ड्रिंक और साथ में यहाँ का सी फूड। ये कॉम्बिनेशन किसी जन्नत से कम नहीं है। क्या बात है यार। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में एक ऐसा आइलैंड भी है जहां पर कि आपको सांप ही सांप देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इस आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड। कहते हैं कि इस आइलैंड में कम से कम आज के दिन भी 4,000 से 5,000 की संख्या में सांप रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ स्पेशल आदमियों के अलावा किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। क्या बात है यार। कहते हैं कि इस आइलैंड पर अब तक जो भी इंसान चुपके से गया है ना, वो मारा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन भी ब्राजील के लोगों का मानना है कि इस दुनिया में कई बार एलियन आए हैं, जो कि यहाँ के लोगों के मन में बात बैठा दी गई है कि एलियन वास्तविक में होते हैं। कहते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा जंगल यानी कि अमेज़न, वहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर एलियन को धरती पर उतरते हुए देखा गया है। क्या बात है यार। लेकिन दोस्तों, आज तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला है। ये काल्पनिक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई है,
कोई नहीं जानता। वेल दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज के दिन भी यहाँ की पुलिस जो है वो भैंस का इस्तेमाल करती है कई बार चोर को पकड़ने के लिए। जी हाँ, इस देश की सच्चाई है यही। कहते हैं कि पुलिस इतनी एडवांस होने के बाद भी इसलिए यहाँ पर भैंस का इस्तेमाल करती है क्योंकि कई सारे एरिया भी हैं जो कि पूरी तरीके से दलदल बने हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर किसी भी गाड़ी या बाइक से भागना आसान काम नहीं है। इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ की पुलिस भैंस का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश की राजधानी कहाँ है? जी हाँ, कई लोगों को ये पता नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रियो ही इस देश की कैपिटल सिटी होगी, लेकिन ये बात गलत है। आपको बता दें कि इस देश की राजधानी है ब्राजीलिया और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत पुराना शहर नहीं है। जी हाँ, ये अभी कुछ ही दिन पहले बनाया गया है। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि ये शहर बनाने में केवल 41 महीने लगे थे। जी हाँ, ये देश है ही फुटबॉल को पागलों की तरह पसंद करने वाले लोगों का। यहाँ पर हर घर में एक बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी आपको मिलेगा। दोस्तों, आप समझ जाइए कि जैसे हमारे देश में क्रिकेट को लेकर जुनून है, वैसे इस देश में दोस्तों फुटबॉल को लेकर जुनून है। कहते हैं कि इस देश के लोगों को आप फुटबॉल खेल से दूर रख ही नहीं सकते। यहाँ से पेले, रोनाल्डो और नेमार जैसे खिलाड़ी निकले हैं जिनका लोहा दुनिया मान रही है। दोस्तों, आप ये बात भी जानते ही होंगे कि इस देश में दुनिया का 7वां अजूबों में से एक क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू है जो कि रियो शहर में है। दोस्तों, यहाँ पर भी हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं इसे देखने के लिए। ये वाकई में अपने आप में सबसे अनोखी चीज है। कहते हैं कि इस स्टैचू के साथ साथ आपको यहीं से पूरा का पूरा रियो शहर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश का सबसे पुराना शहर शाओसिंट है। जी हाँ, इसे पोर्तगाल के लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया था। दोस्तों, ये देश बहुत ही खूबसूरत है। समुद्र और पहाड़ इस देश को बहुत अलग बनाते हैं। आपको बता दूं कि ब्राजील में यूनेस्को की 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा रियो डी जनेरियो शहर भी शामिल है। इसके अलावा सल्वाडोर, साओ लुइस जैसी जगह भी शामिल है। कहने का मतलब ये है कि इस देश में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें नजर आ जाती हैं। जी हाँ, यही वजह है कि इस देश में हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं और इस देश की यही सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में कुल मिलाकर 4100 एयरपोर्ट हैं। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस देश में ट्रांसपोर्टेशन सेवा बहुत अच्छी है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बाय रोड भी कहीं भी जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आज अगर ब्राजील ने अपने देश में बाहरी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया है तो उसके पीछे यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी रिवर अमेज़न का ज्यादातर हिस्सा ब्राजील देश में है। क्या आपको पता है कि इस देश में आपको सबसे ज्यादा ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो कि होते हैं बहुत ही खतरनाक? जी हाँ, कहा जाता है कि कुछ तो इतने जहरीले होते हैं कि अगर इंसान को छू भर ले तो उनकी जान जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये सबसे ज्यादा अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा रहस्यमय कंट्री है। यहाँ के अमेज़न जंगल के बारे में किसको नहीं मालूम। ये दुनिया का कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा देते हैं। तो दोस्तों, ये थे ब्राजील देश से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प और रोचक फैक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।